नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। राम राम जी, कैसे हो आप सब? मेरे हिसाब से आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइज, मेरे नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और भाई, मेरी आज जाने की तैयारी थी भाई, नवीर ने कई दिन हो गए जाए, तो मैं सोच रहा था नवीर ने लिया हूँ, तो मेरी बात हुई थी, तो आज का मेरा फाइनल हो गया है। और इब मैं एक बार नहा धो लूँ, शाम का टाइम हो रहा है, तो एक बार नहा धो के रेडी हो गए और फिर जाऊँगे नवीर ने लेन। तो मैं ज़्यादा लेट हो जाऊँगा क्योंकि 7:30 बज रहे हैं, और एक बार नहा धो लूँ, क्योंकि ना तो फिर पापा ने कहेंगे भाई ज़्यादा लेट कर दिया, ज़्यादा गैर टाइम जाना ठीक नहीं होता, फिर सुनने भी मिल जाए रेखा दी बार बड़ी बड़े बूढ़े कह भी दिया करें। तो वैसे भी फिर ज़्यादा लेट हो जाऊँगा अपना, फटाफट एक बार नहा धो के रेडी होकर फिर चलने की तैयारी करा। तो चलो ठीक है, एक बार निकला, क्योंकि ये जो कपड़े हैं ना, ये बोलोगे ये मैंने रास्ते में देने हैं, रास्ते में मतलब पकड़ाने हैं, और कोई है गोलू का जानकर वो कोरियर करेगा फिर इन्हें, तो ये भी रास्ते में पकड़ा दूंगा मैं जानता। तो मैं नहा दूंगा फटाफट लिख लूँ, और फिर ये सामान सारा गड्डी में शिफ्ट करूँ, और फिर चला नहा लूँ मैं फटाफट। जी तो मैं हो लिया हूँ नहा धोकर रेडी, मैंने अपनी पुरानी यूनिफॉर्म पहन ली है, जो शादी में पहना था मैं रिसेप्शन पे लास्ट टाइम कुछ दिन पहले, तो मैंने वाइट ड्रेस पहन लिया, मैंने वहाँ बहुत बढ़िया लगी। तो ये मेरे जूते जूते पहने रह गए, देखो जूते जूते पहने रह गए, और तो मैंने सारी तैयार हो लिया हूँ मैं, ज़्यादा टाइम ना लगा, मैंने 15 मिनट लगाई मात्र तैयार होने में। एक घंटा टाइम लाऊँ ना फिर बात पलट जाती, दूसरी हो जाती, मामला गर्म हो जाता। तो अपने फटाफट तैयार हो लिया मैं, अरे फटाफट दो रोटी खा लूँ मैं, क्यों मम्मी का खाली पेट नहीं जाया करते, कुछ खा पी के फिर जाना है। तो दो चपाती खा लूँ और जूते पहन लूँ, और फिर फटाफट सामान अपना शिफ्ट करके गाड़ी में, और फिर चलने की तैयारी करा। फोन किया गया मना के, मीनू आया हुआ शायद, हाँ फोन आ गया भाई। तो चलो एक बार लगने की तैयारी करा भाई, फोन सुन के और फिर चल लूँ मैं। तो एक बार सारा सामान सेट कर दूँ गाड़ी में, क्योंकि आ जाएगा ज़्यादा ना है, इसमें थोड़ा सा तरीके से सेट करना पड़ेगा। तो गाड़ी होगी फुल, डिग्गी होगी फुल, जो अपना सामान हो गया सेट, इसने रास्ते में पकड़ा देंगे, वो फिर उपाई कर देगा, इसने कोरियर जो भी करना है। तो ये अपना सारा सामान सेट होगा, और कुछ तो नहीं रहेगा ना, सारा सामान सेट हो गया भाई। हरी भाई मैं गाड़ी काट लूँगा पार्किंग में, दे और फिर चलने की तैयारी करा। बराबर एक बार जो भी एक्स्ट्रा सामान रहा वो काट देगा इसमें, दे और फिर मैं गाड़ी काट लूँगा। तो भाई अपन है गाड़ी काट गए पार्किंग में, थे और गाड़ी गियर भर दिया है, क्योंकि हमने तगाजे सिर पहुँच लेंगे, अंधेरा हो रहा है, गति सही है, काली रात हो रही है, आगे कुछ भी नहीं दिखता है, न तो दिख लाइट से सही बचे, तो पर थोड़ा सा ध्यान तो चलना पड़े कि खाली यहाँ रास्ता है, अप्रोच सा रास्ता है। तो चलो मैं दिखाऊंगा, हमने देखो मतलब कुत्ता बिल भी नहीं घूम रहा। तो मैंने लाग जाएगा 1 घंटा सारा दाऊँ पहुँचने में, तो गाइस मैं देखते रहिए क्यों करके पहुँचूँगा, कैसे क्या मेरा शेड्यूल रहेगा, तो थंबनेल भी दिखाता रहूँगा मैं थोड़ा सा। पिछली बार मैं दूसरे रास्ते जाया करता, इब की बार मैं थोड़ा सा दूसरे रास्ते जाऊँगा, पहले जो स्टॉप में जीत लिया करता इब के, वो स्टॉप उड़े नहीं लूँगा, दूसरी जगह स्टॉप लेना पड़ेगा, मतलब स्टॉप तो लेना पड़ेगा। चलो गाइस चलते रहेंगे, आप बने रहिए ब्लॉग में, मज़ा आएगा, क्योंकि पिछली बार मैं गया था तो मैंने उनकी सरप्राइज दिया था, ठीक है, मैं बिना बताए पहुंच गया था ससुराल में। तो आज भी मीनू पूछे थी आज आओगे कल आओगे, मैं एक बार तो सोच रहा था महा भाई सरप्राइजे दे दूँ, तो मीनू ने बोली पीछे वाला काम मत करियो, महा के बात होगी, बोला ना पीछे वाला काम मत करियो, अगर अब टेव आवे सो डाल की तैयारी होवे, पल बोला पिछली बार तो आप ना आधी राती अड़ रोटियाँ मंडाए रखे, बोला 12-1 बजा दिया माँ, सही अच्छा माँ कितना मजा आया था, माँ बहुत मजा आया था भाई, मतलब न्यू जान में भी एक तरह तो मैंने प्रैंक सा कर दिया था उनकी गेल। तो बोला ना अब कैसा काम मत करियो, बोला हम दुखी हो जाए, ब्रैन माटी हो जाए, बोला पिछली बार तो हम सारे आँखा काट पाट दिया था, बोला माँ चलो ठीक है फिर, तो इब की बार मैंने बता ही दिया, माँ चलो हाल लग रहा हूँ बता के चल रहा हूँ, तो पिछली बार तो मैं बिना बताए पहुँच गया था, हमने देखा भी होगा वो लोगों में,
मतलब थमने मजा आया वो बेकस तक भाई न्यू भी हो जाए रे। तो चलो भाई पहुंच लिया बाट देख ला रहे फोन ला रहे उनकी भी पिछली बार तो बेरा ही कौन लगा था उन्होंने फोन किया थे कि बेटा फोन ला रहे क्योंकि मैंने दिन में बता दिया था अब मैं शाम में आऊँगा। तो भाई मैं रास्ते में पहुँच गया, रास्ते में एक छोटा सा स्टॉप और लेना पड़ा था, मेरा ध्यान आ गया भाई वजन करके देना आया कर रहे न्यू नहीं जाया करता, पहले तोलना पड़ेगा कितना वजन है। तो रास्ते में मिल गए फल फ्रूट वाले सब्जी वाले, तो वहाँ भाई एक बार इन्हें खोल गए और एक थैली में सारा डाल गए और वहाँ एक बार इसका वजन तोल दो कितना बनेगा, फिर मैंने है ना वजन करके फिर आगे उस भाई से पकड़ा दूंगा, उसने भी दिक्कत ना होगी इतनी। तो इसका वजन बना भाई टोटल 8 किलो के आसपास बना है, 8 किलो वजन हो गया है। तो वजन कर दिया, वजन कर मैं फिर दोबारा चल पड़ा हूँ हरी वापस ही देख पा रहा हूँ भाई तरफ पहुँच लिया बाट देखने लग रहा रुक रहा है, मतलब जित पकड़ाने ना गांव के अड्डे खड़ा हो भाई, तो उन्हें मैंने पता 10 मिनट हो गए भाई खड़ा ने, चलो मैं एक बार उससे पकड़ा। तो उस भाई के जो फोन आ लग रहे थे जितने कपड़े पकड़ाने हैं वो कह रहा था अगर चौंक पकड़ा हूँ, तो मैंने बाइक तो खड़ी दिखा है शायद यो होगा और तो कोई मैंने अड दिख नहीं रहा, हाँ यो है। तो एक बार उतर के और एक बार यो थैला पकड़ाना है और डिग्गी में रखी एक थैली दोनों थैले पकड़ा दूँ और उसके बाद फिर नो है मैं भी अपने नफराम हो जाऊँगा। एक थैला तो दे दिया, दूसरा थैला और इसके बाइक पर धर के ले जाना पड़ेगा, मैंने सारे कपड़े ना एक थैले में शिफ्ट कर दिए थे, मैं यूँ कह रहा था भाई मैं कदे अकेला आऊँगा बाइक पर दुखी हो जाऊँ, मना भाई दुखी होने वाला काम कर दे को नहीं, ये भी इस एक बार जचवा दें बाइक पर और फिर मैं भी चलूँगा। ना भाई ये एक स्टॉप और आ गया था अपना, तो ये भाई तो पकड़ा दिया मैंने सामान और यो तो भाई नू कहता भाई अब चलो घर चलेंगे चाय पानी लियो, ना भाई पहले मैं तगाजे में हूँ लेट तो मैं पहले हो रहा हूँ, माँ ये को नहीं टाइम लागे फिर को देखेंगे भाई भाई तो घर चलने दे तू मैंने क्योंकि आधा चाय पानी लेने में भी आधा घंटा दम लग जाता। तो भाई दोबारा फिर मैंने गिर पड़ती अपनी बाइक बाइक को गाड़ी के अरे हम चल लेंगे क्योंकि अब रास्ते भी रात ने यार ऐसा मेरा लग हूँ चौंध लाग जा रहा रात ने, तो चलो एक बार सीट बेल्ट ला लो, गाड़ी ने भी अपनी इंडिकेशन दे दी है और सीट बेल्ट लगाओ और फिर आगे चलो। तो टाइम भी 10 बजन वाले हो रहे हैं और हाड़े ना रेडी लागी पा रही थी मैंने फल फ्रूटा की, तो ये तो मैंने खाली खाली सा लग रहा है वहाँ कदना ही पावे। तो भाई मैंने लेना था फ्रूट, रात इतनी हो रही है फ्रूट वाले भी जा लिए सब, तो मैं देखो था खाली खाली सा दिखा था पर एक दुकान तो दिखी है मैंने, तो मैं थोड़ा सा फल फ्रूट ले लूँ, एक का दुकान खुली है कदे वह भी बंद हो जाए तो पहले मैं फल फ्रूट ले लूँ थोड़ा सा। बस एक सिंगल वन या रेडी सी स्टॉल रह रही है फ्रूट की, अरे भी कि तेन नंजा रहा था बुलाया है भाई एक बार इस तरह केले ले लें जी। तो अपन ले लिए केले और केले भी हो गए हैं, तो ये अपन और कुछ नहीं लेना दोबारा तो मारा गाड़ी के सिलप मैंने तो न्यू था भाई कदे वो भी अरे फल फ्रूट ना मिले, पहले सोच रहा था मैं कदे रात इतनी हो रही है फल फ्रूट भी ना मिल रहे पर थोड़ा सा अपना काम सा चल ले गया, तो ये अपना दोबारा तो चलने की तैयारी करा भाई करके गाड़ी बंद, तो चला चलेंगे भाई और लागेंगे मेरी 10-20 मिनट और लागेंगे पहुँचने में। तो मैं पहुँच लिया हूँ भाई नवी गेम मामा के गाँव में, चौखा टाइम लग गया मैंने भी और मीनू के घने फोन आ लिए थे रास्ते में, राहुल के कई फोन आ लिए कित पहुंच लिए कित पहुंच लिए, तो क्या करा भाई टाइम लग गया जाए, तो मैंने गाड़ी पार्क करनी है एक बार राहुल बुलाया माँ कित करनी है वो बता देगा, तो आगे खड़ा राहुल देखो शाल अड्डे खड़ा जड्डे में क्योंकि ठंड हो रही है, तो चलो एक बार गाड़ी पार्क कराया मैं। क्या हाल है? ठीक हो जी। बढ़िया बढ़िया कितना हो गाड़ी ने? तो चलो ठीक है गाइस एक बार गाड़ी पार्क कर दें हम। नमस्ते 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 ठीक हो? हाँ ठीक है। ओए गुलगुले हेलो करो हेलो कर दे। हाँ जी तो मैं पहुंच गया हूँ और मैंने 10 मिनट हो गए पहुंचे ने,
एक बार पहले रोटी खा ला, चाय पानी बाद में लेवांगे, क्योंकि रोटी का टाइम हो रहा है। और स्पेशल कह गए चूल्हे की रोटी बनवा रखी थी, क्योंकि वहाँ चूल्हे की रोटी खाने का मन था, तो चूल्हे की सब्जी चूल्हे की रोटी, क्योंकि उसका मजा थोड़ा सा अलग होया करें, उसका पकावा भी थोड़ा मतलब अलग होया रहा है। तो एक बार रोटी रोटी खा ला, रोटी खा के और फिर बाद में बैठेंगे, बतलाओगे, बोलेंगे सारे। तो पहले देखो एक बार नवी तो मिलवाओ था हमने, मैं तो नहीं सोचा था नवी बाट देखता पाओगा, पर नवी तो चह गया मतलब सो गया। देखो बाट देख के तो सो गया बेचारा, सो लाग गया नवी तो, आधी रात हो रही नवी की। तो कोई नहीं, नवी ने सुबह अर्ली मॉर्निंग मतलब सुबह मिलेंगे नवी, तो इवनिंग मिलेंगे, फिर तो सोने दो, नींद खराब नहीं कराएंगे। तो चलो एक बार कपड़े चेंज कर ला, रोटी राटी खा ला। मीनू की कर रहा है, मीनू शायद रोटी राटी बनाने की तैयारी कर रहे हैं, रोटियाँ हम लाग रही है, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है मीनू का। तो चलो पहले खाना खा ला, उसके बाद फिर हम फ्री हो जाएंगे। हाँ जी, तो ये भी आधी रात ना के बड़े हैं, और पहले उन्होंने कह दिया कि आज मैं खाऊंगा चूल्हे की रोटी, मैं गैस की बनी हुई रोटी नहीं खाऊंगा। रोटी भी हमने चूल्हे पर बनाई, सब्जी भी चूल्हे पर बनाई, हलवा भी चूल्हे पर बनाया, सारा सौदा चूल्हे पर बनाया। इतने कोई भी मतलब ना तो किसी ने रोटी खाई, ना किसी ने गैस पर बना के खाई, इवन क्या है पाछे रोटी बनाई है सब ने खाई है। अरे देखो खा पी के और आराम तो बतलाने लग रहे हैं, यू सुमित बैठे नवी सुन लग रहे हैं। अरे देखो मतलब कुल मिला के बढ़िया काम, खाने का बढ़िया सिस्टम हो गया था। अच्छा देखो हमारे राहुल साहब बैठे आज का दिखा यार। ठीक है फिर सो जाओ, फिर आंखें में नींद आ रही। तो थोड़ी देर में गप्पे मार ला। गप्पे? हाँ। मैं क्यों है? बातें फोड़ ले। ठीक है ये तो फोड़ेंगे बातें, मैं सो हूँ, मैं तो सारा दिन हो गया, एक बोर्ड सी जाना सूट लेने, एक बोर्ड सी जाना, सारा दिन मेरी गिग्गी बंद रही है, मैं तो सो हूँ। एक बार हाँ मम्मी वाली बात बोला, कदे घाघरे लेने कदे सूट लेने, गेला मम्मी ने गेला मुझ में पेल रखी थी मम्मी भी मनाज। तो हम हो गए रोटी पानी खा के फ्री हो गए थे, फिर अपने बात बूत कर ला गए, बैठे थे बतलाए गए, टाइम हो गया भाई 11:30-12 बज गए हैं। और राहुल अपने लाग रहा कम्बल कुम्बल काट गए, सोने की तैयारी करने लाग रहे। देखो ये कम्बल कुम्बल काट दिए हैं, और क्योंकि सोने की तैयारी करेंगे, टाइम बहुत हो गया है और ठंड बहुत हो रही है, सूखी ठंड और लाग रही है मतलब पड़न लाग रही है। तो भाई चलो मैं इस व्लॉग का कराऊँ यहीं पर एंड, अपन मिलेंगे अपने नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।